हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पार्ट दो दिल्ली सल्तनत के बारे में आगे का भाग पढ़ाऊंगी पार्ट टू में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था, सुल्तान ने तीन भागों में विभाजित किया था शासन व्यवस्था को, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। तो हम केंद्रीय शासन के बारे में पहले पढ़ेंगे। सुल्तान के बाद मंत्रिमंडल मुख्य था। सुल्तान का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था, जो प्रशासन तंत्र का प्रमुख था। इसके उपरांत मंत्रिमंडल में सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग, धर्म विभाग, विदेश विभाग, गुप्तचर विभाग आदि विभागों का समावेश होता था। इस तरह कुछ अंश में आधुनिक मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था समय देखने को मिलती है। केंद्रीय शासन के बारे में बताया गया कि सुल्तान के बाद मुख्य कोई था तो वह मंत्रिमंडल था। सुल्तान का प्रधानमंत्री वजीर के नाम से जाना जाता था, जो प्रशासन तंत्र यानी प्रणाली का प्रमुख था। इसके अलावा मंत्रिमंडल में सैनिक विभाग, पत्राचार विभाग, धर्म विभाग, विदेश विभाग, गुप्तचर विभाग आदि विभागों का समावेश होता था। इस तरह कुछ अंश में नए समय के मंत्रिमंडल जैसी व्यवस्था भी देखने को मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे, इतना जानिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सरकारी तंत्र तथा मर्यादित प्रत्याचार व्यवस्था अस्तित्व यानी वजूद में थी। हर कार्य शाही हुक्म और संदेश ले जाते थे। राज्य के महत्वपूर्ण केंद्रों पर हर कार्य रहते थे। इस तरह उसे आज की पत्राचार व्यवस्था की प्रारंभिक आवृत्ति यानी कार्य कह सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, प्रांतीय शासन। प्रांतीय मतलब प्रादेशिक शासन, उसके बारे में पढ़ेंगे। संतलत काल में प्रांत को जागीर में बांटा गया था, जिसे इक्ता कहते थे। इक्ता का प्रमुख इक्तेदार या मुक्ति कहलाता था, जो प्रांत के कार्यकारिणी और न्याय तंत्र का प्रमुख होता था। उसका कार्य भू स्वराज्य एकत्र करना और सुल्तान को आवश्यकता अनुसार सेना उपलब्ध करवाना था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में केंद्रीय सेना को महत्व देते हुए इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। प्रांतीय शासन यानी प्रादेशिक शासन के बारे में यहाँ बताया गया कि संतलत के समय में प्रांत यानी प्रदेश को जागीर में बांटा गया था, जिसे इक्ता कहते हैं, इक्ता कहते थे। इक्ता का प्रमुख इक्तेदार या मुक्ति कहलाता था, जो प्रांत की कार्यकारिणी और न्याय तंत्र यानी न्याय प्रणाली का प्रमुख होता था। उसका काम था जमीन को एकत्र करना और सुल्तान को जरूरत के अनुसार सेना उपस्थित करवाना, उपलब्ध करवाना। जबकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में केंद्रीय सेना को महत्व देते हुए इक्तेदारों पर नियंत्रण यानी काबू, अपना पकड़ स्थापित किया गया। आगे है स्थानीय प्रशासन, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रांत से नीचे की इकाई को जिला और तहसील में विभाजित किया जाता था, जिसे क्रमशः सिख और परगना कहा जाता था। गांव का प्रशासन मुखिया या मुकदम करता था। पटवारी और लिपिक उसकी मदद करते थे। स्थानीय प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया कि प्रदेश से नीचे की इकाई को जिला और तहसील में विभाजित किया जाता था, जिसे क्रमशः सिख और परगना कहा जाता था। गांव का प्रशासन मुखिया या मुकदम करता था। पटवारी और लिपिक उसकी सहायता करते थे। आगे पढ़ते हैं, किला और अन्य निर्माण, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली संतलत की स्थापना से भारत में भारतीय इस्लामिक शैली के स्थापत्यों के निर्माण की शुरुआत हुई। दिल्ली संतलत के समय काल दौरान किला, मस्जिद, मकबरा, मकान, बगीचा, दरवाज़ा, मीनार आदि जैसे स्थापत्य कला की दृष्टि से उल्लेखनीय निर्माण हुए हैं। यहाँ कहा गया, बताया जा रहा है कि दिल्ली संतलत की स्थापना से भारत में भारतीय इस्लामिक ढंग के स्थापत्यों के निर्माण की आरंभ हुई थी। दिल्ली संतलत के समय किला, मस्जिद, मकबरा, मकान, बगीचा, दरवाज़ा, मीनार आदि जैसे निर्माण
कला की दृष्टि से उल्लेखनीय निर्माण हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण हुआ। ऐबक द्वारा बनवाई गई दूसरी महत्वपूर्ण इमारत कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के समय में उसकी एक मंजिल बन सकी थी। उसकी मृत्यु के बाद शेष काम इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी टूटा फूटा था तो उसको सुधरवाया, उसको बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्मित अन्य एक इमारत ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, जो अजमेर में है। इल्तुतमिश के समय में हौज ए शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। खिलजी वंश दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए अलाई दरवाजा नामक प्रवेश द्वार, सीरी नामक किला और सीरी नामक नगर तथा हौज ए खास का समावेश होता है। तुगलक शासन दौरान तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद आदि नगर बसाए गए। इस समय काल दौरान दिल्ली में अनेक किलों, मस्जिदों, तालाबों, महलों, स्नानागारों, मकबरों, पुलों, सरायों, बगीचों आदि का निर्माण हुआ था। सैयद और लोधी वंश दौरान मकबरों और मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिसमें बंदे खान का गुंबज, बड़ा गुंबज, मोट का मस्जिद और शहाबुद्दीन का मकबरा मुख्य है। आगे बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण हुआ था। ऐबक द्वारा बनाई गई दूसरी महत्वपूर्ण इमारत कुतुब मीनार है। कुतुबुद्दीन के समय में उसकी एक मंजिल बन सकी थी। उसकी मृत्यु के बाद बचा हुआ काम इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी उसको फिर से सुधारवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्मित यानी उसके द्वारा बनाए गए अन्य एक इमारत ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, जो अजमेर में है। इल्तुतमिश के समय में हौज ए शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। खिलजी वंश के समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजा नामक प्रवेश द्वार, सीरी नामक किला और सीरी नामक नगर तथा हौज ए खास का समावेश होता है। तुगलक शासन के समय में तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद आदि नगर बसाए गए थे। इसके समय में दिल्ली में अनेक किलों, मस्जिदों, तालाबों, महलों, स्नानागारों यानी नहाने का घर, मकबरों, पुलों, सरायों यानी रहने का आश्रय, बगीचों आदि का निर्माण हुआ। सैयद और लोधी वंश के समय मकबरों और मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिनमें बंदे खान का गुंबज, बड़ा गुंबज, मोट की मस्जिद आदि शहाबुद्दीन का मकबरा खास है, मुख्य है। आगे पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य, इसका शासन था 1336 ईस्वी से 1664 ईस्वी। इसके बारे में पढ़ते हैं, तुगलक वंश के निर्बल यानी कमजोर सुल्तानों के समय दिल्ली संतरत के विघटन की यानी बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई। सैयद वंश और लोधी वंश के समय यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। तैमूर के आक्रमण के कारण भी स्थिति अधिक खराब हुई थी। इन सभी परिस्थितियों के कारण उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक प्रदेश स्वतंत्र हुए, जिनमें विजयनगर, बहमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर आदि का समावेश होता है। यहाँ हम विजयनगर और बहमनी राज्य के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। विजयनगर के साम्राज्य के बारे में यहाँ बताया गया कि इनका साम्राज्य का शासन 1336 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक था। यहाँ बताया जा रहा है कि तुगलक वंश के निर्बल यानी कमजोर राजाओं के समय दिल्ली संतरत के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सैयद वंश और लोधी वंश के समय में यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी थी। तैमूर के हमले के कारण भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इन सभी परिस्थितियों के कारण उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक प्रदेश आज़ाद हुए थे, जिनमें विजयनगर, बहमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर आदि आते हैं। यहाँ हम विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं,
हरिहर राय और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने तुंग भद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में अपने राज्य की राजधानी बनाकर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी, आरंभ किया था। शुरुआत में उनके गुरु स्वामी विद्यारण के नाम से यह नगर विद्यानगर के नाम से जाना गया। बाद में उनके सम्राटों की सैन्य सफलता के कारण वह विजयनगर कहलाया। हरिहर राय और बुक्का राय संगम वंश के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरबिंदु वंश ने शासन किया। हरिहर राय और प्रथम बुक्का राय ने छोटे राज्य को साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सालू वंश के शासन के बाद तुलु वंश की स्थापना हुई। आगे यहाँ बताया गया कि हरिहर राय और बुक्का राय नामक दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने राज्य की राजधानी बनाकर विजय नगर साम्राज्य का स्थापना किया था। शुरुआत में उनके गुरु स्वामी विद्यारण्य के नाम पर से यह नगर विद्यानगर पड़ा था, उसके नाम से जाना गया था। बाद में उनके सम्राटों की सैनिक सफलता के कारण वह विजयनगर कहलाया। हरिहर राय बुक्का राय संगम वंश के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरबिंदु वंश ने राज्य किया था। हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय ने छोटे राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने में खास योगदान दिया। सालू वंश के शासन के बाद तुलु वंश की स्थापना हुई। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तुलु वंश में कृष्णदेव राय जैसा महान शासक हुआ जो मात्र तुलु वंश का ही नहीं बल्कि समग्र विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, उसे भारत का एक महान शासक बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उसने शासन के दौरान कई विजय प्राप्त की। कृष्णदेव राय का अधिकांश जीवन युद्ध भूमि पर ही व्यतीत हुआ, फिर भी उसने प्रशासनिक तंत्र की उपेक्षा नहीं की थी। उसने राज्य में तालाबों एवं नहरों का निर्माण करवा कर खेती बाड़ी को समृद्ध किया था। कई अयोग्य करों को रद्द करके प्रजा का प्रेम प्राप्त किया था। विजयनगर के पास नागलपुर नामक नगर बसाया तथा उसे इमारतों और मंदिरों से सजाया। कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषा में कई ग्रंथ लिखे। साहित्य और कला को बढ़ावा देने के कारण वे आंध्र के भोज कहलाए। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में आंतरिक संघर्ष और षड्यंत्र शुरू हुए। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम राज्यों द्वारा बने संघ के सामने विजयनगर की पराजय हुई। युद्ध के बाद भी विजयनगर साम्राज्य एक शताब्दी तक बना रहा, परंतु पहले जैसी भव्यता नहीं प्राप्त कर सका। तुलु वंश के बारे में यहाँ बताया गया कि तुलु वंश में कृष्णदेव राय जैसा महान राजा हुआ था जो मात्र तुलु वंश का ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि शासक साबित हुआ। इतना ही नहीं, उसे भारत का एक महान शासक बनने का यश प्राप्त हुआ। उसने शासन के समय कई विजय प्राप्त की। कृष्णदेव राय का ज़्यादातर जीवन युद्ध क्षेत्र में ही बीता, फिर भी उसने प्रशासनिक तंत्र का तिरस्कार नहीं किया था। उसने राज्य में तालाबों एवं नहरों का निर्माण करवाकर खेती बाड़ी को मजबूत बनाया था। उसने कई जो योग्य नहीं था ऐसे करों यानी टैक्सों को समाप्त करके प्रजा का प्रेम पाया था। विजयनगर के पास नागलपुर नामक नगर बसाया था, उसे इमारतों और मंदिरों से सजाया। कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषा में कई ग्रंथ लिखे। साहित्य और कला को बढ़ावा देने के कारण वे आंध्र के भोज भी कहलाए थे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में ही संघर्ष यानी लड़ाई और षड्यंत्र शुरू हो गया। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम राज्यों द्वारा बने संघ के सामने विजयनगर की हार हुई। युद्ध के बाद भी विजयनगर साम्राज्य एक शताब्दी यानी 100 साल तक बना रहा, लेकिन पहले जैसे उसमें भव्यता नहीं प्राप्त कर सके। आगे पढ़ेंगे। बहमनी राज्य 1347 ईस्वी से
1518 ईस्वी तक इसका शासन था। इसके बारे में पढ़ते हैं, तुगलक वंश के समय में ही दक्षिण में जफर खान ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। इस राज्य ने लगभग 1.5 शताब्दी तक दक्षिण भारत की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा। जफर खान ने अलाउद्दीन बहमन शाह नाम धारण करके स्वतंत्र शासन किया। उसने नए स्वतंत्र राज्य की राजधानी गुलमर्ग को बनाकर अपने राज्य में कई प्रदेश जोड़े। बहमनी साम्राज्य में अहमद शाह और मोहम्मद शाह तृतीय का शासन उल्लेखनीय है। अहमद शाह गुलमर्ग से अपनी राजधानी बीडर ले गए और वहाँ कई इमारतों का निर्माण करवाया। मोहम्मद शाह तृतीय का वजीर महमूद गवा था। उसने सक्षम प्रशासनिक तंत्र की रचना की थी। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में बहमनी सत्ता मजबूत बनी थी, परंतु उसके बाद महमूद शाह बहमनी तृतीय द्वितीय के समय में राज्य की सारी सत्ता उसके वजीर कासिम वरीद के हाथ में आ गई। उसी के समय में ही बहमनी साम्राज्य का अंत भी हुआ। समग्र साम्राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीडर और बरार जैसे 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। बहमनी राज्य के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि तुगलक वंश के समय से ही दक्षिण में जफर खान ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य का निर्माण किया था, स्थापना किया। इस राज्य ने लगभग 150 साल तक दक्षिण भारत की राजनीति पर अपना अधिकार जमाए रखा। जफर खान ने अलाउद्दीन बहमन शाह नाम धारण करके स्वतंत्र आज़ाद राज्य किया। उसने नए स्वतंत्र राज्य की राजधानी गुलमर्ग को बनाकर अपने राज्य में कई प्रदेश जोड़े। बहमनी साम्राज्य में अहमद शाह और मोहम्मद शाह तृतीय का शासन लिखा गया, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अहमद शाह गुलमर्ग ने अपनी राजधानी बीडर ले गए और वहाँ कई इमारतों का निर्माण करवाए, यानी कई इमारत बनवाए। आगे मोहम्मद शाह तृतीय का वजीर महमूद गवा था। उसने सक्षम यानी योग्य प्रशासनिक तंत्र की रचना की थी। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में बहमनी सत्ता मजबूत यानी शक्तिशाली बनी थी, लेकिन उसके बाद महमूद शाह बहमनी द्वितीय के समय में राज्य की सारी सत्ता उसके वजीर कासिम वरीद के हाथ में आ गई थी। उसी के समय में ही बहमनी साम्राज्य का अंत भी हो गया था। समग्र यानी पूरा साम्राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीडर और बरार जैसे 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। आगे हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत शासन का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई और 320 वर्ष बाद 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के शासन के अंत के साथ उसका अस्त हुआ। इस लगभग 325 वर्ष दौरान योग्य, शक्तिशाली और कई बार निर्बल सुल्तान की गद्दी पर बैठे, दिल्ली के इस मुस्लिम महाराज्य ने अनेक धूप छाया देखी और जिसका उदय उसका अस्त, इस न्याय के अनुसार उसका पतन हुआ। दिल्ली सल्तनत शासन के अंत के बारे में यह बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जो 300 वर्ष बाद 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के शासन के अंत के साथ उसका अंत हुआ। इस लगभग 325 साल दौरान योग्य यानी काबिल, शक्तिशाली और कई बार कमजोर सुल्तान भी गद्दी पर बैठे, दिल्ली के इस मुस्लिम महाराज्य में अनेक धूप छाया देखी यानी अच्छे बुरे समय देखे और जिसका उदय यानी जिसका निर्माण हुआ उसका समाप्ति भी हो गया, इस न्याय के साथ इसका पतन हो गया, समाप्त हो गई। ये सब बच्चों यह पाठ आपका ख़त्म हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।